रामगढ़ चौक प्रखंड में आज ग्राम पंचायतों में 20 अक्टूबर को होने जा रहे पंचायती चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की तैयारी को लेकर मंगलवार को डीएम संजय कुमार सिंह, एसपी सुशील कुमार, एसडीएम संजय कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार के द्वारा रामगढ़ चौक प्रखंड का दौरा किया गया। इस दौरान विद्यालय परसावों में बनाए गए चुनाव संबंधित कार्यालय में पहुंचकर मतदान कर्मियों के साथ बैठक भी किया गया। पोलिंग पार्टी के बीच चुनाव संबंधी सामग्री वितरण का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। हमारे यहाँ टोटल 113 बूथ हैं और हमारे 57 बूथ हैं। ये जानकारी उनको दी जा रही थी कि एक एसडीपी के पास मैक्सिमम 2 बूथ है और दोनों बूथ पे उनको ले आकर के सामान को टाइमली 5 बजे से शुरू देना है और 5:30 बजे तक मॉक पोल है। मॉक पोल में भी उनको ट्रेनिंग दिया गया है और जहाँ वो स्टैटिक रहेंगे वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर सभी की सीसीटीवी अपने ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऑन करके रखेंगे। जब वो देंगे तो उनका कैप्चर हो जाएगा कि आइए टीका लिए और उसके तक वो चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी अपने ऐप को खोलने के लिए क्योंकि उनके द्वारा भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में जो सावधानियाँ हैं क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेनटेन करेंगे वो बताया जा रहा था उनको, खास करके जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग जो कैप्चर कर रहे हैं सभी लोगों की उपस्थिति, उसको भी उसके बारे में बताया जा रहा है कि सभी को वो देखना है। और कई जगह ऐसा होता है कि नेट कनेक्टिविटी के कारण अगर कहीं विलम्ब हो रहा है तो ये भी बताया गया उनको कि ऑफलाइन अपने पे आप काम करिए, हमें उस जगह पे जहाँ नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं समय नहीं लगे वोटिंग हमको चलना है। अगर वोटर की संख्या कम है तो निश्चित रूप से समय अगर ज़्यादा लगा है तो आप उसको ऑनलाइन भी देखिए। और दूसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज इस्लाम धर्म के पहले वे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पूरे धूमधाम से लखीसराय जिले में मनाई गई। लखीसराय शहर के इंग्लिश मोहल्ला स्थित मदरसा सफीकिया तरीकिया नक्शबंदिया के तत्वाधान में मदरसा के बच्चे उलेमा तथा इंग्लिश मोहल्ला बड़ी दरगाह छोटी दरगाह वृंदावन खगौर तथा हकीमगंज के लोगों की एक भारी भीड़ से हजरत मोहम्मद साहब के प्रति अपनी सच्ची अकीदत पेश करते हुए एक भव्य जुलूस के शक्ल में लखीसराय शहर में भ्रमण किया गया। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन है और उस जन्मदिन के एतबार से जब हुजूर अली सलाम आए थे तो उनसे आने से पहले बहुत ही बुराई फैली हुई थी। कभी बेवाओं पर जुल्म की जाती थी, कभी औरतों पर तरह तरह का जुल्म सितम की जा रही थी, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था और गरीब को सताया जा रहा था। अमीर लोग उस पर हावी हो जाते थे और सबको ग़ुलाम बनाकर रखा करते थे। उसी आलम में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए एक नया दीन लेकर, जिसके बारे में कहा जाता है इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये वो दीन है जो तमाम दीनों से अफजल है। तो आका अली सलाम हम तमाम मोमिनों के लिए ये पैगाम दिए कि जिस औरतों के साथ तुम बदसुलूकी करते हो, जिसे तुम जिंदा दरगोर करते हो, वो बेटी रहमत है और रहमत को यानी सताया नहीं जाता है बल्कि उसे बचाया जाता है। आज आका अलैहिस्सलाम का देन है कि उन्हीं के